नमस्कार प्रिय बंधु, कैसे हैं आप सब। आजकल आप राजहंस की गाथा श्रृंखला में आदि शंकराचार्य की शंकर गाथा सुन रहे हैं। कुमारिल भट्ट को इस बात की बहुत अधिक पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने जब आत्मविश्लेषण किया तो उन्हें लगा कि शायद मैं इसलिए हारा हूँ क्योंकि मुझे बौद्ध धर्म का या बौद्ध शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि मैं बौद्ध शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त करूं। इस उद्देश्य से वे उस समय के बहुत अधिक विद्वान और उद्भट बौद्ध आचार्य धर्मपाल के पास गए। धर्मपाल का एक बौद्ध विहार था जहां पर धर्मपाल अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म की दीक्षा और शिक्षा दिया करते थे। कुमारिल भट्ट भेष बदल कर बौद्ध भिक्षु बनकर धर्मपाल की शरण में गए और उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपना गुरु बनाया। धर्मपाल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना शिष्य मानते हुए उनको बौद्ध धर्म का पूरा ज्ञान, बौद्ध शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन इत्यादि करा के बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षा उन्हें प्रदान की। धीरे धीरे करके जब कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म और बौद्ध शास्त्र में पारंगत हो गए तो एक दिन जब उनके गुरु धर्मपाल बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे थे, उसी समय प्रसंगवश जब वेदों के बारे में बात आई तो उन्होंने वेदों की निंदा करनी शुरू की, यानी बुराई करनी शुरू की। इस वेद निंदा को सुनकर कुमारिल भट्ट अंदर ही अंदर बड़े दुखी हुए, बड़े पीड़ित हुए। उजागर रूप में वे बता नहीं सकते थे कि मैं तो वेदों को मानने वाला हूँ, मैं तो वैदिक धर्म को स्वीकार करने वाला हूँ। इसलिए कुमारिल भट्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मपाल ने जब यह देखा कि सारे शिष्यों में केवल मेरा एक शिष्य रो रहा है तो उन्होंने कारण जानने की चेष्टा की। पता चला कि कुमारिल भट्ट वेदों की निंदा सुनकर रो रहे हैं। धर्मपाल समझ गए कि यह भेष बदल कर आया हुआ कोई ऐसा वैदिक धर्मानुयायी है जो वेदों की निंदा सहन नहीं कर पा रहा है। धर्मपाल को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि बौद्ध विहार से जो एक पर्वतीय क्षेत्र में था और एक पर्वत के शिखर पर स्थापित था, उस शिखर से कुमारिल भट्ट को नीचे गिरा दिया जाए और नीचे गिरने के बाद में जो होगा देखा जाएगा। संभवतः उसके प्राण नहीं बचेंगे, निश्चय ही उसके प्राण नहीं बचेंगे। यह गुरु का क्रोध था और गुरु का दंड था। कुमारिल भट्ट को जब शिष्य पकड़ कर ले गए और उन्हें शिखर से नीचे गिराने लगे तो कुमारिल भट्ट बोले, यदि वेद प्रमाण हैं, तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात सुनकर सभी शिष्य हंसने लगे और उन्होंने कुमारिल भट्ट को पर्वत शिखर से नीचे धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो पहाड़ की घाटी में जाकर वे गिरे। आप समझ सकते हैं कि पर्वत के शिखर से गिरा हुआ एक व्यक्ति, उसका जीवन संभव ही नहीं है कि बच पाए। फिर भी कुमारिल भट्ट का बाल भी बांका नहीं हुआ, केवल एक आंख फूट गई, एक आंख खराब हो गई। किसी पत्थर या कंकर के आ जाने से वह आंख पूरी तरह से नष्ट हो गई। शिष्य उत्सुकतावश जब घाटी में पहुंचे यह देखने के लिए कि कुमारिल भट्ट जीवित हैं या मर गए, तो उन्होंने देखा कुमारिल भट्ट को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक आंख से खून बह रहा था, आंख खराब हो गई थी। उनको पकड़कर धर्मपाल के पास फिर लाया गया। धर्मपाल ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि तुम्हारी आंख को यह क्या हो गया। कुमारिल भट्ट ने बड़े गर्व से कहा कि मैंने ये कहा था जब मुझे इस शिखर से गिराया जा रहा था कि यदि वेद प्रमाण हैं तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। देखिए, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। धर्मपाल ने प्रश्न किया, तो फिर तुम्हारी यह आंख खराब कैसे हो गई। उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा, मैंने वेदों के साथ यदि शब्द लगाया था, यानी कि मुझे वेदों पर किंचित संशय हो गया था और उस संशय का दंड यह है, संदेह का दंड यह है कि मैंने यदि लगाया तो मेरी एक आंख खराब हो गई, अन्यथा
मेरी यह आंख भी खराब नहीं होती। मुझे वेदों के ऊपर पूरा विश्वास तो था, लेकिन मेरे मन में एक संशय जाग गया। यदि शब्द मैंने इसीलिए प्रयोग किया, इसीलिए मुझे यह दंड मिला है। धर्मपाल यह सुनकर मुग्ध हो गए। सचमुच कुमारिल भट्ट ने यहाँ पर आकर धर्मपाल के हृदय को जीत लिया। बाद में जब धर्मपाल से उनका शास्त्रार्थ हुआ, तो उन्होंने, क्योंकि वे अब बौद्ध धर्म की एक एक चीज को बारीकी से जान गए थे, उस धर्म को, उस शास्त्र को पूरी तरह से पढ़ चुके थे, उसकी गहराई तक पहुंच चुके थे, अतः उन्होंने अपने गुरु को शास्त्रार्थ में हराया और धर्मपाल पर विजय प्राप्त की। इस प्रकरण में आगे क्या हुआ, यह जानना चाहेंगे आप सभी। निश्चय ही मन में जिज्ञासा का अंकुर उग चुका होगा। कुमारिल भट्ट ने इसके बाद आगे क्या किया, हम अगले प्रकरण में सुनेंगे ये बात और देखेंगे शंकराचार्य का भाष्य, जिस पर कुमारिल भट्ट को टीका लिखनी थी, क्या वह टीका लिखी गई, क्या ऐसा हुआ या फिर उसका कोई और विकल्प शंकराचार्य ने ढूंढा। आइए जानें अगले प्रकरण में। तब तक के लिए विराम।